कोरोना के बारे में जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन केस उसको ऐड कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कैमरा लुक प्लीज, यू स्टार्ट मैम. ओके यू स्टार्ट. यू गिव अ कैमरा लुक. ओके लुक स्ट्रेट एंड टॉक. या द कांसेप्ट इज वेरी नाइस, इट्स वेरी न्यू. And I'm sure it's going to be very helpful because physiotherapy is a line of treatment which very few people understand. And I've been through physio 3 years ago, and even now I've had an accident, a road accident. As you can see, my ribs are broken and I'm being treated under Dr. B.L. Chaudhary. He's fantastic, fantafabulous. And I'm sure this event will make a difference in lot of people's lives, and it's just about the awareness. So hope in future there are more programs like this and people get aware more and more and more, and they will get benefit with physiotherapy like how I am doing right now. Thank you. And what do you take on this? Yeah, today, like today, because of the lifestyle what the youngsters and what we are living through, so people are all suffering from hypertension and diabetic. So like for me personally, I'm against all medicines and all that. So if it's helping with physio, and if you all get, like, because of these seminars, lot of awareness is there. So youngsters also should have been invited, so they could have learnt, you know, on all this. And Dr. Chaudhary has treated me for my wrist. I had lot of pain here, lot of swelling, and I'm done with it with very few sessions, you know. I had lot of pain, so he did it very well for me, and he calls me female Akshay because of the diet and what I do, you know. That's it. Thank you so much. Sir, आप जानते हो क्या कहना चाहेंगे इस सेमिनार के बारे में? जैसा कि इन्होंने मैडम ने बताया अभी कि ये बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, फॉर हेल्दी लिविंग. इसी कब सोच करके मैंने, डॉक्टर साहब ने, अरविंद भाई ने, हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि इस तरह का हमको प्रोग्राम करना चाहिए फॉर हेल्दी लिविंग, कि लोग इसको समझें और दवाई से दूर रहें और मेडिकल एक्सरसाइज से और जो भी बताते हैं डॉक्टर साहब उनको फॉलो करके हम लोग एक अच्छा हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं. और मिस्टर अरविंद इज ऑल्सो मोर देन 55 ईयर्स, आई एम ऑल्सो 53. अभी तक हमने कोई दवाई नहीं लिया, कुछ नहीं किया, अभी बिल्कुल ठीक हूँ. अभी टच वुड. And I'll interrupt. I'm 52 also, and you know, on no medication. I do my yoga, walk, and all that. And I'm like, physio is much better than medicines. Yeah. Physiotherapy is the in thing. People don't understand. People, so you all go shortcut, take a medicine, and you all should get the awareness in youngsters. Because youngsters are the people who don't take care of their diet. So you all should get the awareness in the youngsters, the teenagers and 30 plus. बिल्कुल. थैंक यू गाइस. थैंक यू. डायबिटिक को फोकस करा क्या जाए, कितना बड़ा इशू है आज के टाइम में, मतलब हेल्थ इश्यूज तो है, आजकल डायबिटिक से कितने सारे लोग नॉन अफेक्टेड हैं, उनका क्या कहना चाहेंगे? मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा मोड़ा देना चाहता हूँ यहाँ एलसी फिजियोथेरेपी के बारे में, जो कंपनी है क्रिएटेड किया हुआ. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई 1.5 साल पहले मुझे प्रॉब्लम हो गई थी और मैं व्हील चेयर में चलता था, अच्छा खासा ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो गई थी, काम से बिजनेस से हमेशा जाना रहता था. किसी ने बोला कोकिला बिल में चल जाओ ऑपरेशन कराने, किसी ने बोला कहीं चल जाओ. अंत में मुझे समवन रिकमेंडेड कि नहीं फिजियोथेरेपी से मिलने का, और एक यंग डॉक्टर है जो डॉक्टर बंसीलाल चौधरी, उसने मुझे 15 दिन में ट्रीट कर दिया. और आज एक 1.5 साल हो गया और मैं अच्छा खासा दौड़ता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ, ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ी. उसके बाद मैं ऐसा ही इंस्पायर्ड हुआ कि आई डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, और तब से ही हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया और लोगों से बात किया और हमने इनिशिएट किया. ऑफकोर्स फाइनेंशियली, बाकी इन बच्चों के योगदान है और जो आरमिलसी फिजियोथेरेपी कंपनी के जो CEO और फाउंडर है मनीषा सिंह, इन लोगों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ. तो ये बताना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट जो अपने मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं, कि कोई ज़रूरी नहीं कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन ऐसी चीज़ें जो एक महामारी की तरह पूरे भारत में दुनिया में फैली है, और आप लोग से छुपा नहीं हुआ है दुनिया से कि ये बढ़ती जा रही है महामारी. कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज के पेशेंट ना हो. और ड्रगलेस ट्रीटमेंट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द मेडिसिन, ये बहुत बड़ा पहला हम लोग का स्टेप है सोसाइटी के लिए. और खुद दवा लेने से कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं आप भी अच्छी तरह जानते हैं. तो इसमें हमारा, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग का भी सहयोग चाहिए
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो सके, लोग ड्रग्स से मेडिसिन से कम यूज़ करें क्योंकि साइड इफेक्ट बहुत होता है, और नेचुरोपैथी और फिजियोथेरेपी से जो ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा सके और यूजफुल हो उनके लाइफ में। तो यही बताना चाहता हूँ सर। ये भी जानना चाहूँगा कि हेल्थ के अलावा क्रिएटिविटी में भी, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो उसके अंदर उसमें क्या चल रहा है? फिल्म प्रोजेक्ट्स करते हैं, स्पोर्ट्स में भी अपना अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, क्या करना चाहिए उसके बारे में? हाँ, मैं आपको पहले जानते हैं कि मैं स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड हूँ। मैं ऑल इंडिया डांस फेडरेशन का प्रेजिडेंट हूँ। एक ही ऐसा डांस है जो वर्ल्ड गेम और ओलंपिक से ओलंपिक गेम से रिकॉग्नाइज्ड है। और ये फिजियोथेरेपी एक ऐसा यू कैन से आर्ट और यू कैन से इसे साइंस जो ड्रगलेस होने के साथ साथ वो हर एक जगह हर एक वॉक ऑफ लाइफ में इंसान को चाहिए, चाहे गेम हो चाहे इंडस्ट्री के लाइन के हो या नॉर्मल किसी भी लाइफ के इंसान को इसकी बहुत ज़रूरत है। और एक यही इस लाइन में मैंने अभी पहली शुरुआत की है टू क्रिएट दिस ऑर्गेनाइजेशन। और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हम इसको प्रोपेगेंडा कर सकें, जितनी सिटीज़ और गांव घर में इसको फैला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इससे फ़ायदा पहुँचे। थैंक्स सर। थैंक्स सर। इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट इन इंडिया और वो डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन को फ्री करने का सबसे अच्छा इलाज जो लेके आए हैं वो आज वो हमें बताने वाले हैं। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर महीन जुर्दा। सर आप पूछिए, आपसे शुरुआत होता चाहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू होटल गेस्ट। माय स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर बी एस चौधरी फॉर गिविंग मी चांस टू शेयर माय नॉलेज ऑन मैनेजमेंट ऑफ hypertension, diabetes. Thank you. Actually, blood vessels two type of
to tapered. Artery means that blood carry from heart to tissue level, and vein, blood carry from tissue to return the heart. Artery is the oxygenated blood or very deoxygenated blood. Normally हम जो बात करते हो एट्रियल ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, never for the venous pressure. Okay? Normally two type, systolic and diastolic. Systolic means contraction of heart, that is upper range. But diastolic means relaxation of heart. Definition of hypertension, according to the American College of Sports Medicine, and according to the WHO and American Heart Association, all three they give different definition. But all over the range they give a resting blood pressure. Very important part, the resting blood pressure. It's not about that you go to the doctor, आपको गए और जाते आपको चेक किया और आपको बोले आप हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन ऑफ हार्ट रेट एंड टेम्परेचर और रेस्पिरेटरी रेट, दिस फोर आर वाइटल साइन. ये कभी कांस्टेंट नहीं रहते, हार्ट बीट है हर बीट की बात बढ़ती और कम और ज्यादा होती है, वैसे आपका ब्लड प्रेशर जो है हर सेकेंड अप एंड डाउन. सोचिए कि आप जैसे भी यहाँ पे आए, स्टेयर क्लाइंब किया, मैंने कहा आपका ब्लड प्रेशर, दैट नॉट ब्लड प्रेशर. इट्स नॉट रीडिंग ऑफ द वन टाइम, इट्स रीडिंग अबाउट मोर देन थ्री टाइम. और कांस्टेंट और परसिस्टेंटली योर ब्लड प्रेशर इज राइज. नंबर वन पॉइंट, रेस्टिंग ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 इट्स कॉल्ड हाइपरटेंशन. सेकेंडरी हाइपरटेंशन डेफिनेशन, द ब्लड प्रेशर राइज, प्रेशर स्ट्रेच योर एट्रियल वॉल बियॉन्ड योर हेल्थी लिमिट अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन. Now come to the incidence and prevalence of hypertension. The main cause of death and worldwide by the hypertension is the first cause. Another cause like tobacco, high cholesterol, underweight, obesity, nervous tests, high BMI, physical activity, hair growth, all are list cause. All are the cause mainly for the high blood pressure. I give you the data according to your Mumbai. In the all over India, the Mumbai highest stress level. In past life has the high stress level. Some of the tension they doing job, like in the BPO job, media job, self marketing, the highest range 24-22%. Or like the Tier 1 city, Borivali tension in the Mumbai is the 31%, compared to Delhi in the high, then Delhi, Bangalore, Hyderabad, Chennai. Maximum in Mumbai, India, or less in the Himachal Pradesh. There is a doing active, blood pressure means contraction of heart, not getting the relaxation. Like in Mumbai, you are getting the contraction, but not getting the relaxation. So, this is why our co-region says, first thing we have to do is that we have to do one time in life, yearly. First, we have to rest for one visit, at least one visit. हमारा कहीं ना कहीं आउटिंग विजिट होना चाहिए, रिलैक्सेशन एरिया. फिर हमें रेस्ट करना चाहिए मंथ के अंदर एटलीस्ट 4 days और इन द वीक एटलीस्ट 1 day. सी के अकॉर्डिंग माय हॉलीडेज होते हैं कि हम एटलीस्ट वंस ए वीक हमें रेस्ट होना चाहिए. अब रेस्ट होता ही नहीं कि आपने छुट्टी ली और आप घर पे बैठे हैं या एक्टिविटी, पर मुंबई में आप कहीं अगेन यू डोंट गेटिंग रेस्ट. रेस्ट का मतलब है कि आप जिस पोजिशन में आप अपने जॉब का या जो भी आपका वर्क है उससे रिलेटेड कोई टोक ही ना. That's called relaxation. Normal heartbeat. Just simple physiology. What is the normal heartbeat? Normally heartbeat, that means complete a cycle complete. Blood comes in heart and goes to the arterial. That complete cycle is called the cardiac cycle. In 1 week, complete the cardiac cycle. Or according to the minute we calculate, it's called the heart rate. Beat per minute, it's called heart rate. Beat per minute. In each beat, 70 ml blood output from your heart. In each beat, 70 ml. According to that, normally we range 70 to 80. So multiply 70 to multiply 72, approximately 5 liter cardiac output per minute. Normal during rest, 5 liter blood out of that. During stress, that blood pressure will rise, cardiac output increase. During any activity, your cardiac output will increase.
come to the heart. Just simply I will explain about the heart and fourth chamber. Heart and fourth chamber, let's call the right atrium, right side, right ventricle, left atrium and left ventricle. Then normally the blood जो ऊपर से जो blood आता है उसको बोलते हैं superior vena cava. ऊपर से जितना भी blood वापस heart में क्या आता है vein के थ्रू आता है. The biggest vein is called the vena cava. The superior vena cava और inferior vena cava two way. Lower part is from the inferior vena cava, upper part is called the superior vena cava. Blood comes to the right atrium. Then contraction the right atrium comes to the right ventricle. यहाँ से फिर वापस कॉन्ट्रेक्शन होगा वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कोरोनरी आर्टरी से होते हुए आपके लंग्स लंग्स में प्यूरिफाई होगा. यहाँ डीऑक्सीजन ब्लड है जो ब्लड आया अभी आपकी बॉडी में डीऑक्सीजन ब्लड आया आपका राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में. यहाँ से लंग्स से जाके ऑक्सीडेटेड होते हुए कोरोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम आएगा. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा. यहाँ ये ऑक्सीडेटेड ब्लड है और ये फिर आपकी एओर्टा. एओर्टा इज द बिगेस्ट आर्टरी. इट्स कॉल्ड एओर्टा. नॉर्मली आपने सुना होगा कि कोई पर्सन था बाथरूम गया और वहीं एक्सपायर हो गया या ब्रेन हेमरेज हो गया. वो हमेशा क्या होता है एओर्टिक प्रेशर बढ़ जाता होता है. एओर्टा एओर्टा में टू टाइप होता है. एओर्टिक प्रेशर की जो होता है एओर्टिक एनिज्म उसका डायलेशन बढ़ जाता है और सेकेंडरी होता है एब्डोमिनल एओर्टा कि वहां आपको सडनली मतलब सीवियर होते हैं दोनों. इसमें क्या डायग्नोस नहीं हो पाता. 90% पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है प्रॉब्लम थी. वो कभी कहते उसको प्रॉब्लम नहीं थी. सडन होता है ब्रेन हेमरेज लो या जो आप कार्डियक प्रॉब्लम लेते हैं तो उसके साइलेंट डिजीज होती है. अभी क्यों होता है मतलब कि जो भी आप एट्रियम से वेंट्रिकल ब्लड आया अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा देख प्रेशर लेवल है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक. ड्यूरिंग रिलैक्सेशन वापस हार्ट में ब्लड आएगा उसको कहते हैं डायस्टोलिक. अब अपन नॉर्मली कहते हैं कि हार्ट रेगुलर एक्टिविटी करता है रेस्ट कब करता है जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फेज है वो उसकी रिलैक्सेशन है. रिलैक्सेशन का टाइम होता है 0.5 सेकंड और कॉन्ट्रैक्शन टाइम होता है 0.3 सेकंड. अब जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन फेज इंक्रीज हो जाती है और रिलैक्सेशन फेज आपकी डाउन हो जाती है. दैट्स फॉर द ब्लड प्रेशर. द सिंपली आई एक्सप्लेन द सिंपल इन वे प्रारंभ कर रही है और बॉलीवुड में एज ए प्रोड्यूसर फिल्म कर चुका हूँ और एज ए डायरेक्टर भी कर चुका हूँ कई एल्बम्स की. अभी जो मिस्टर अरविंद कुमार जी और मनीषा जी डॉक्टर बी एस चौधरी देवेश जी ने जो सेमिनार की है तो बहुत अच्छी है. और जो आजकल ज़्यादातर देखते हैं कि फिजिकली लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं कोई किसी डायबिटीज़ की वजह से कोई नी पेन की वजह से कोई मतलब इस तरह की फिजिकल प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा हैं. तो उसके लिए जो मिस्टर अरविंद कुमार ने जो ये सेमिनार किया है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है लोगों के लिए. और उससे किसी मेडिसिन से या उससे नहीं सिर्फ एक्सरसाइज से आप अपने डायबिटीज़ और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो बहुत अच्छी चीज़ की है उन्होंने. हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और सभी से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो इस एक्सरसाइज को करें और अपनी जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करें. ये तो एक तरह से सोशल वर्क भी है करना चाहिए जिससे सारी प्रॉब्लम्स दूर हो. थैंक यू सो मच. लगता है इस तरह और होने चाहिए. हाँ होंगे जहाँ तक मुझे पता है जो अरुण जी ने बताया है कि इस तरह के मंथली या थर्ड इन थ्री मंथ्स वो करेंगे प्रोग्राम. और जो लोगों को पता नहीं है इसके बारे में जागरूक करेंगे जिससे अगर वो मेडिसिन से छुटकारा पाएँ और ये अपना एक्सरसाइज के थ्रू ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें. क्या कहेंगे आज के सेमिनार के बारे में जिससे डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया है डायबिटीज की बीमारी और अदर बीमारी के बारे में क्या कहेंगे. हमारे घरों में आजकल हर घरों में इनफैक्ट इंडिया पूरी वर्ल्ड में जो बीमारी है डायबिटीज़ सबसे खतरनाक मानी जाती है जिसका इलाज आप कितना भी कर लो वो नॉर्मल नहीं हो सकती है. इंसान के मरने के साथ वो साथ में जाती है. बीपी जो कि इंसान को हमेशा टेंशन से होती है टेंशन और मोस्टली उल्टा सीधा चीज़ें करने से खाने पीने से हमेशा बीपी अप एंड डाउन रहती है और लेडीज़ में अक्सर जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है उनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं ऑलवेज़. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सेमिनार बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है हमारी आम एलसी फिजियोथेरेपी की तरफ से जो कि हम इसमें बता रहे हैं कि इससे कैसे अपने आप को रिलीज़ करके
कम किया जा सकता है। हम इसे ख़त्म कर रहे हैं या मेडिसिन से आपको बचा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम इसे बहुत नॉर्मल तरीके से, लीगलाइज तरीके से, और जिससे हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचे, इससे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वर्किंग मतलब कर सके और मसल्स स्ट्रांग रहें। हम इंटरनल वीक होते जाते हैं बिकॉज ऑफ मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स की वजह से हम सबसे ज़्यादा आज वीक हैं। हमें स्ट्रेंथ पावर नहीं है, चाहे कोई भी हो, बच्चा हो, हर डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देख के उसे वीक कर देता है। तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म लो होने के कारण, हम इस चीज़ को, एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा वार्म अप नहीं करने के कारण, हमारी बॉडीज़ धीरे धीरे डाउन होते 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 होते, और विदाउट एज के कारण भी हम स्ट्रेस में हैं, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब कुछ हो। तो इसको फ्री करने के लिए जो डॉक्टर महेंद्र जुरार ने जो इतना अच्छा आइडिया निकाला और वो खुद सीख के आए हैं, तो उनसे हमें हेल्प मिलेगी, हम इस चीज़ को पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया तक और बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लोगों में पहुँचाएँ। ये बहुत ज़रूरी है करना। हम इसमें, ऐसा नहीं है कि हमारा ये कोई बिजनेस मोटो है, हम खुद चाहते हैं कि कोई अच्छी चीज़ें किसी तक पहुँचे। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, बट मैंने एक्टिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ करियर में नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ करना चाहती हूँ, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं सेवा भावना से, इसलिए कुछ शुरुआत किया है। यस, हमने इसके, इस साल में हमने कम से कम 5 ऑर्गेनाइजेशन तो हमने ही किए हैं, तो अब इस धीरे धीरे हम बताएंगे और अलग अलग जगहों पर करेंगे, और जहाँ पर भी हमें लगता है कि हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, वहाँ वहाँ हम ये बात करेंगे, क्योंकि हर जगह ये प्रॉब्लम है, हर घर में है। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ है, बहुत बुरी बात है आज के टाइम पे। तो हमें इसको रिलीज़ करने के लिए हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। हाँ, अभी रिसेंटली मैंने एक म्यूज़िक कंपनी लॉन्च की है, मदर्स म्यूज़िक कंपनी, मदर्स म्यूज़िक रिकॉर्ड, जिससे मेरा एक सॉन्ग भी आया था 26 जनवरी को इस साल, और आगे भी कुछ आएगा, लेकिन मेरा मोस्टली ज़्यादातर इंटरेस्ट अब है कुछ सेवा भावना में, कुछ करना है बस। थैंक यू सो मच। मैं इतना कह सकता हूँ कि आज जो हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस तरह से देखने की बात है, जैसे आज आप डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि सबसे ज़्यादा हाई टेंशन जो है बॉम्बे में जाना है, दिल्ली में उससे कम है, अगर आप हिमाचल में जाएंगे तो बहुत मिनिमम है। तो ये एक हमारे बहुत अच्छी सीखने की बात यह है कि हम अपने आप को फ्री रखें, हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको मंथ में एक दफ़ा अगर हॉलीडे कर सकते हैं और अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, और वीक में एक दफ़ा अगर आप इंजॉय कर सकते हैं, और स्ट्रेस तो मींस ये स्ट्रेस का जो लेवल है इस इज अनलिमिटेड, और हम बॉम्बे शहर के अंदर ही रह रहे हैं, और इससे देखने की बात है कि हाइएस्ट स्ट्रेस जो है आज बॉम्बे में ही है। अब अगर इनका कोई ना कोई मेथड होगा, उसी मेथड के बेस के पर इन्होंने ये बात हमको बताएगी, तो हमको इसमें सोचने वाली बात यह है। और ठीक है, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सीख के कुछ आते हैं, हम भी यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो मुझे सबसे अच्छा इस पूरा जो आज का है कि जो सबसे अच्छा जो वर्जन ये लगा कि आप लो मेडिसिन और कम मेडिसिन में कैसे आप अपनी लाइफ को ज़्यादा जी सकते हैं, दिस इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट। ये मेरे को सबसे अच्छी इसमें एक सीखने की बात जो मिली है। सर, बहुत अच्छा कहा आपने कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन आज के समय सबसे बड़ी, वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी डिजीज है, जिससे मोर्टिलिटी रेट एंड मोर्बिडिटी रेट बढ़ रही है। जो मेरा मैनेजमेंट है, अभी तक आप, मैं मेडिकल के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ड्रग के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेडिसिन के अगेंस्ट नहीं, पर प्रॉब्लम क्या होती है, लास्ट ईयर आपका ब्लड प्रेशर 140 था, बाद में आपका 160 हुआ, मेडिकल की मेडिसिन की डोज इंक्रीज हुई पर कंट्रोल नहीं हुआ। तो कंट्रोल करने के लिए ड्रगलेस मैनेजमेंट जो है, फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ स्टाइल, डाइटरी अप्रोच टू हाइपरटेंशन, और थर्ड कॉन्कर्रेंट एक्सरसाइज ट्रेनिंग, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरोबिक एंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट को ये पता नहीं होता है कि हमें एक्सरसाइज कहाँ तक करनी होती है। लोग जाते हैं कार्डियो एक्सरसाइज करने के लिए, पर उन्हें ये पता नहीं है कि हार्ट रेट कितनी मेंटेन तक वो एक्सरसाइज करे। तो हमने इस वर्कशॉप से अवेयर भी किया उनको कि आप डायबिटिक और हाइपरटेंशन में कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज का मॉड्यूल बनाया। हमने 3 तरह के मॉड्यूल बनाए एक्सरसाइज के, एक वो पेशेंट, एक वो पर्सन जो यंग एज के हैं, जो इजी एक्सरसाइज कर सकते हैं, सेकंड वो पर्सन जिनको जॉइंट पेन है, उनके लिए हमने डिफरेंट तरह से पैटर्न बनाया, थर्ड जो बेड रिडन और एज्ड पीपल है, उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यू बेड रिडन, और ग्लूकोज लेवल भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें। तो 3 मॉड्यूल से हमने एक्सरसाइज बनाई है,
थैंक यू सर। जैसे मैं देखा हूँ पेशेंट को काफ़ी डायबिटीज हाई हो, उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं इंसुलिन ले रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन डायबिटीज़ क्या है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, इंसुलिन कम सीक्रेट हो रहा है। आप खाना खाने के बाद क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। जैसे ही खाना खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो आप स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज। अगर आप 30 मिनट एक्सरसाइज कर लेंगे उसके बाद तो ग्लूकोज क्या करेगी, मसल ऑब्जर्व करेगी, तो उससे आपका एनर्जी जो ग्लूकोज है वो ब्रस्ट होगा। आप मेडिसिन ले रहे हैं तो ग्लूकोज आपका ब्लड लेवल तो कम है पर जा कहाँ रहा है ग्लूकोज, वो आपके लीवर में और किडनी में जा रहा है। उससे बचने के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं एक्सरसाइज से डायबिटीज। तो मेडिसिन खाना कम ही होगा या फिर रहेगा? जैसे जैसे आप कंट्रोल करते जाएंगे 3 मंथ के अंदर आपका मेडिसिन की डोज कम होती जाएगी। जो डॉक्टर जिसके हम सलाह ले रहे हैं, जैसे कि मैं डॉक्टर नए पेशेंट डायबिटिक पर मैं किसी की सलाह ले रहा हूँ, मुझे वो कह रहे हैं कि ये दवाई कोई खानी है रोज आपको बढ़ सकती कर सकती है, उसको कैसे आप कहेंगे कि भाई ये डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे एक्सरसाइज करो, ये कह रहा है दवाई खाओ, कैसे क्या मैनेज करेंगे? बिल्कुल सही कहा सर आप पूछा आपने कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दवाई के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैंने ये कहा है कि दवाई लेने से आपका जो कंट्रोल हो रहा है कुछ लिमिट तक हो रहा है, बट आप एक्सरसाइज करेंगे तो प्रॉपर कंट्रोल हो। बिल्कुल सर, आपने जो एज के लिए हमने 3rd मॉड्यूल बनाया है जिसको हम बोलते हैं चेयर बेस्ड एक्सरसाइज, जो चेयर पे बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं उनके लिए पर्टिकुलर डिजाइन किया सर। बिल्कुल सर, उनको सबसे फर्स्ट वेट रिडक्शन करना पड़ेगा, वेट रिडक्शन की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है, क्या है नॉर्मली कर सकते हो, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, उनके लिए मैंने बनाया सर। ओके, हमने उसके लिए फर्स्ट स्टेशन बनाया है, 1-7 स्टेशन बनाए हैं। फर्स्ट स्टेशन में हमने रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बताई है, 2nd स्टेशन में हमने उनके लिए कोर स्ट्रेंथिंग बताई है, जो उससे अबडोमिनल मसल की स्ट्रेंथ होगी। 3rd में हमने अपर लोअर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बताई है। 4th के अंदर बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है ग्रुपी, ग्रुपी करने से हार्ट रेट इंक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया गोबलेट स्क्विटिंग, अगेन वेरी गुड फॉर वेट मैनेजमेंट एंड हार्ट रेट, हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो हाइपरटेंशन में हम कंट्रोल करेंगे सर। और 5th इज द प्लैंक एंड 6th स्टेप पर क्वीन कोलेज स्टेप टेस्ट को एज असेसमेंट के लिए करते हैं, उसी को हमने जो मैनेजमेंट के रूप में लिए। सर बिल्कुल सही आपने कहा कि इसमें हमें शेड्यूल तो मैनेज करना पड़ेगा सर, कि हमारी लाइफ है। ये आपने सही कह रहे हैं कि 90% लोग क्या होते हैं, जिन 10 दिन जाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, जो 10 दिन कर लेते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको मैनेज करना पड़ेगा सर। अच्छा, कैसा रिस्पांस मिला आपको आज के आज से? मुझे बहुत खुशी हो रही है सभी लोगों के फेस पे, चेहरे पे खुशी देखते हुए, बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला है। राजस्थान से यहाँ तक का सफर सक्सेस हुआ कह सकते हैं? सर मैंने सोचा नहीं था, उससे भी बढ़ के हुआ। इस तरह के सेमिनार और होने चाहिए लगता है आगे तक? बिल्कुल सर, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम बिल्कुल करेंगे। हमें सिर्फ ठीक है चलेगा जी 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 जी। देखिए सर, यू नो आई एम वेरी यंग और बहुत ही यंग एज में आई वॉज डायग्नोज विथ कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर। तो बीमारी लगने की कोई एज नहीं होती, किसी भी एज में आप बीमार पड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि सर हमारा जनरेशन का जो लाइफस्टाइल है वो तो आपको पता ही है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, टाइट स्केड्यूल्स है, पोल्यूशन है, ट्रैफिक, टाइम नहीं मिल पाता। सो दिस सेमिनार वॉज सो हेल्पफुल, क्योंकि मतलब इन्होंने बताया कि मतलब दवाई से बेटर इज ऑब्वियसली अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और धीरे धीरे ये स्मॉल स्मॉल चेंजेस करके हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। So I think this seminar was absolutely helpful and I'm really thankful to the doctor who came from Rajasthan and gave us so much information to make sure that hamari health hamesha achhi rahe, because sir precaution is always better than cure. Bimar pad ke dawai khane se better hai ki aap starting se hi parhez rakhe, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखें, रेगुलरली जो एक्सरसाइज उन्होंने बताई है वो करें, इन्फॉर्मेशन की यू नो वेट लॉस और सॉर्ट ऑफ डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हार्ट रेट के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में वो एक्सट्रीमली इन्फॉर्मेटिव। इनफैक्ट ये तो मैं अपने पेरेंट्स पर भी यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन एज ये सब बीमारियाँ तो लाजमी है। सो इट वॉज ऑफ ग्रेट हेल्प एंड आई वुड लाइक टू मैंशन।
आई वुड लाइक टू मेंशन कि यहाँ पे मैं आई हूँ डॉक्टर चौधरी की वजह से. मतलब वो मैं उनसे करीब 1.5 साल से फिजियो ले रही हूँ. ही इज़ द बेस्ट फिजियो और उन्होंने जब कुछ चीज़ रेकमेंड की तो वो तो मुझे करनी है. तो एज़ फार एज़ दवाइयाँ मैं ये रेकमेंड करूँगी कि दवाइयाँ लेने से अच्छा आप प्लीज़ फिजियो पे फोकस कीजिए बिकॉज फिजियो इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग. दैट्स ऑल आई वुड से. थैंक यू. ओके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा सेमिनार था. फर्स्ट थिंग इज़ क्योंकि इसमें जो भी डॉक्टर सर ने बताया, डॉक्टर मतलब कि बॉडी के फंक्शन क्या है, कि क्योंकि मेन क्या है, लोग मेडिसिन तुरंत ले लेते हैं. आज के टाइम में क्या होता है, कुछ भी हुआ तो सर ने तुरंत मेडिसिन ले लेते हैं जो कि अच्छा नहीं है. तो सर ने जिस तरीके से बॉडी को एक्सप्लेन किया, लाइक कि बॉडी का फंक्शन क्या है, एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, किस टाइप की, हर एज कैटेगरी के हिसाब से उन्हें एक्सरसाइज बताइए, तो बहुत अच्छी चीज़ थी वो. एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पर आकर. द बेस्ट डेफिनेटली, मैं मिलिट्री का रिटायर्ड पर्सन हूँ और मैं पहले से एक्सरसाइज करता हूँ, और तो मुझे कुछ जो चीज़ें नहीं पता थी यहाँ पर आकर वो पता चली कि एक्सरसाइज करना पता, पर एक्सरसाइज किस तरीके से करना है, क्या हार्ट का जो टारगेट रेट है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है जो हर किसी को नहीं पता होती है, लोग तुरंत करने लगे, वो भी चीज़ें पता चली हैं. एंड इट्स ऑल गुड एक्सपीरियंस. अच्छा, थैंक यू वेरी मच. बहुत ही कौन सी बीमारी है उसके लिए टेस्ट के लिए बता रहे हैं आप लोग? सर एक्चुअली बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है अपना. जोर से लाउडली आगे लगाना. एक सेकंड जी बोलिए. यस, कट कर रीस्टार्ट. आइए सर. या सर, आज का जो अपना सेमिनार था इसका एक यूनिक कॉन्सेप्ट था, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ को ड्रग लेस कैसे रिड्यूस किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है. तो सर ने बहुत ही सिंपली वे में प्रैक्टिकली भी मॉनिटर के थ्रू पेशेंट को बताया कि हाउ टू रिड्यूस, और एक प्रैक्टिकली करके दिखाया उस चीज़ को. तो बहुत ही अच्छी चीज़ है सर, इंडिया में फर्स्ट टाइम ये हमने ऑर्गेनाइज करवाया. और हमारी सॉरी, हाँ बोलिए सर. नहीं, सर्विस वाला वो क्वेश्चन करना बता था. और हमारे फिजियोथेरेपी सर्विस में जैसे स्पोर्ट्स है, न्यूरो है, ऑर्थो है, पेडियाट्रिक्स है, पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, बहुत सारी कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट हम मैन्युअली करते हैं. मोडिलिटीज़ भी होती है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पेन की कंप्लेंट लेके हॉस्पिटल जाते हैं, जो हम मतलब सर्जरी फ्री कर देते हैं फिजियोथेरेपी के थ्रू. तो ये बहुत ही अच्छी बात है सर. ड्रग मतलब दवाई, हाँ, ड्रग लेस मतलब मेडिसिन की कोई नीड नहीं है. अगर वो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली आपका बीपी और शुगर कंट्रोल में आ जाएगा. सिंपल कोई भी कर सकता है, पेशेंट भी कर सकते हैं, नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है, सबके लिए कॉमन एक्सरसाइज है, कोई इतना हार्ड नहीं है, हैवी वेट एक्सरसाइज. जी अच्छा था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, जैसे हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी उनके ऊपर का एक अच्छा ही रिस्पांस मिला है, जिसके हमें उम्मीद नहीं थी. तो लगता कि ये अभी और भी करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल. नेक्स्ट जल्दी से जल्दी इसी सिटी में, और हमारा प्लान है कि नेक्स्ट सेमिनार हम दिल्ली और बेंगलोर में ऑर्गेनाइज करवाएं. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.